अलमेकम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा ऑडिट एविडेंस के रेफरेंस में समझ तो आ गया होगा उसमें जो बातें मैंने आपको बताई थोड़ा सा रिकैप उसके बारे में और फिर आज जो हमने पढ़ना है वो यूं कह लीजिए कि प्रैक्टिकल करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का हमने पढ़ा था ना कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जरिए से ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं और फिर सब प्रोसीजर्स के जरिए से ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं तो उसमें आज हमने गुफ्तु शुरू करनी है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल किन किन एरियाज पर किया जाता है लाइक like, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स सिस्टम पर तरह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई किया जाता है फिर बाय द टाइम नेक्स्ट लेक्चर्स में परचेज सिस्टम पेरोल सिस्टम और कैश एंड बैंकिंग सिस्टम ये चंद एक अहम एरियाज हैं जिसके ऊपर मैं इनशाला आपके सिलेबस के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से मुतक कुछ बातें करूंगा लेकिन आज इससे पहले कि मैं सेल सिस्टम से मुतल कुछ बातें करूँगा आपके साथ मैं कुछ पुरानी बातें ऑडिट एविडेंस से मुतलक जो लास्ट लेक्चर में की थी उनको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि ऑडिट एविडेंस मौजूद होता है एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मौजूद होती है और वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के काम आते हैं ऐसी बात सीखी थी ना या जिन पर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बेस करती हैं अब ये जो ऑडिट एविडेंस हैं ये किन शक्लों में हमारे सामने आ सकते हैं इससे मुतल भी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत बातचीत की थी चंद एक पॉइंट्स यहां पर रिवीजन के तौर पर ले लीजिए कि हम जब बात करते हैं कि ऑडिट एविडेंस की तो ऑडिट एविडेंस जाहरन क्या चीज़ होगी शक्लन क्या चीज होगी नंबर वन ऑडिट एविडेंस में आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अब ये डॉक्यूमेंट्स एक एविडेंस की शक्ल है आप ऑडिट प्रोसीजर्स के जरिए से कुछ डॉक्यूमेंट्स इस तरह के हासिल करते हैं जो कि एक सबूत होते हैं आपके पास उस एसरशन के लिए अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से लाइक परचेज इनवाइस आपने जो रॉ मटेरियल गुड्स कोई एसर्ट्स परचेज किए उसके लिए आपको इनवाइस मिली लाइक क्रेडिट नोट्स आप जब सेल्स रिटर्न होती हैं तो उनके अगेंस्ट ये क्रेडिट नोट इशू करते हैं या आपने परचेज रिटर्न की होती हैं तो आपको क्रेडिट नोट मिलते हैं सेल्स इन्वाइस जब आप चीज़ें सेल करते हैं तो इन्वाइस इशू करते हैं इसी तरह से टाइम शीट्स जिस पर के बेस करके पे रोल बनाई जाती है बैंक स्टेटमेंट्स जहाँ से कि आप बैंक रिकन्सिलेशन वगैरह बनाते हैं देखकर तो बेशुमार डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको के आप एज एन ऑडिट एविडेंस देख रहे होते हैं इसी तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज अब ये अकाउंटिंग एंट्रीज भी ऑडिट एविडेंस के तौर पर हमारे सामने आती हैं बहुत सी ऐसी असरशंस होती हैं जिनको कि आपने अकाउंटिंग एंट्रीज के रिकॉर्ड हो जाने पर एविडेंस के तौर पर तस्लीम कर लेना होता है फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री का एन आर वी पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर राइट डाउन होना अब इसकी अगर अकाउंटिंग एंट्री पास हो गई है तो इट मीन्स के इन्वेंट्री हैज बिन रिटर्न डाउन टू इट्स एनआर वी आपकी तसली होगी ओके जी ये चीज रिकॉर्ड हो चुकी है डेप्रीसिएशन ऑफ एक्स एसर्ट्स को डेप्रीसिएट करते हैं अगर वो डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इसका मतलब है कि ओके डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हैज बीन है सो अकाउंटिंग एंट्रीज भी ऑडिट एविडेंस की एक शकल है इसी तरह से इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज लाइक आप बैंक से कंफर्म करते हैं कि बैलेंस क्या है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर खुद से थर्ड पार्टी के साथ जब रहा करता है और उस रबते की बिना पर जो उसको ऑडिट एविडेंस मिलता है वो ज्यादा रिलायबल होता है बैंक हैं उनके साथ वो रहा करता है लैंडर्स के साथ राबता करता है डैटर्स जो अकाउंट्स अकाउंट्सिबल्स हैं उनके साथ रहा करता है और कंफर्मेशंस लेता है सो so, पर ये भी एक ऑडिट एविडेंस की शक्ल है फिर कंप्यूटेशंस कंप्यूटेशंस अब ये क्या है बहुत अहम एक ऑडिट एविडेंस है कि आपने देखना है इनवाइसिस जो बनाई गई हैं उन पे डिस्काउंट्स की कैलकुलेशंस, उन डिस्काउंट्स को कैलकुलेट करके कैटलॉग प्राइस में से माइनस करना ये कैलकुलेशन सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिट टैक्स का उसमें शामिल किया जाना और बल्कि शामिल करने से पहले उस वैल्यू एडिट टैक्स को कैलकुलेट करना ये कॉम्पिटिशंस है ना पेरोल में बहुत कॉम्पिटिशन्स इन्वॉल्व हैं प्रोविजन्स में प्रोविजंस में, एस्टिमेट्स जहाँ पर किए जाते हैं वहाँ पर कैलकुलेशंस खासी ज़्यादा इन्वाल्व हैं तो वो उन तमाम कैलकुलेशंस को आप ऑडिट एविडेंस के तौर पर हासिल करते हैं कि कैलकुलेशंस ठीक हुई हुई हैं उनकी कंप्यूटेशन करते हैं आप देखते हैं वहां से आपको एक ऑडिट एविडेंस मिलता है एक तसली मिलती है। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन एक शक्ल है ऑडिट एविडेंस की। का के के दौरान मौजूद होना वहां से ऑडिटर ऑडिट एविडेंस हासिल कर रहा होता है लाइक इन्वेंटरी काउंट के वकत ऑडिटर का मौजूद होना वो ऑब्जर्वेशन के जरिए से वहां पर अब ऑडिट एविडेंस हासिल कर रहा है कि इन्वेंट्री ठीक काउंट हो रही है क्लोजिंग डेट पर जब ईयर एंड हो रहा है उस वक्त क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना होती है ना अब वो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है उसके लिए हमें फिजिकल काउंट भी तो रिक्वायर्ड है वो फिजिकल काउंट ऑडिट क्लाइंट के लोग कर रहे होते हैं और ऑडिटर वहां पर मौजूद होता है ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या ये ठीक काउंटिंग हो रही है इन्वेंट्री की या नहीं ऑडिट एविडेंस हासिल हो जाता है उसे तो so ये मुख्तलिफ शक्लें ऑडिट एविडेंस की जो ऑडिटर को हासिल होती हैं अब इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये ऑडिट एविडेंस सफिशेंट होना चाहिए और अप्रोप्रियट होना चाहिए और आपको याद है कि सफिशेंसी क्वांटिटी से मुतल है और अप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी से मुतल है यहां पर दो सवाल हैं जो ऑडिटर को मलहूज खातिर रखना होते हैं नंबर वन कि डू आई हैव एनफ एविडेंस टू रीच आर कंक्लूजन ऑन दिस ऑडिट एरिया अब ये एनफ का होना मीन्स क्वांटिटी के बारे में ऑडिटर देख रहा है। कि मैं जिस कंक्लूजन तक पहुंचना चाह रहा हूं उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उस रीजनेबल एश्योरेंस के हासिल करने के लिए क्या जितने ऑडिट एविडेंस मुझे रिक्वायर्ड थे हासिल हो चुके और दूसरा क्वेश्चन इज द एविडेंस दैट आई हैव रिलायबल एनफ

ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीखनी थी एक और बात एसर्शन के रेफरेंस में हमने सीखी थी एसरशंस हमें क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लेवल पर भी मिलती हैं कुछ जिनके बारे में हमें ऑडिट एविडेंस हासिल करना होते हैं इनफैक्ट ऑडिट एविडेंस डिफरेंट एसरशंस के लिए हासिल करते हैं अब वो डिफरेंट एसर्शन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस के लेवल पर मौजूद हैं इसके बाद अकाउंट बैलेंसेस के लेवल पर हमें डिफरेंट एसर्शन मिलती हैं और फिर डिस्क्लोयर्स के लेवल पर डिफरेंट एसर्शन हैं जिनके लिए वी नीड ऑडिट एविडेंस फॉर एग्जाम्पल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लेवल पर जो एसर्शन हैं उनमें नंबर वन अकरेंस की बात आती है कि वो जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की शक्ल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिल रहे हैं जिन पर बेस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं क्या वो इनफैक्ट अकर भी हुए थे या नहीं बोगस तो नहीं है वो ट्रांजेक्शन कि हमने एम्प्लॉज को सैलरी तो पे कर दी है लेकिन एम्प्लॉयज ही मौजूद नहीं है और वो सैलरी आपस में बांट ली है बोगस ट्रांजेक्शन तो पहली असर्शन क्या है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लेवल पर कि अकरेंस होना चाहिए वाकई अकर हुई हो ट्रांजैक्शन या इवेंट नेक्स्ट बात आती है कंप्लीटनेस की कि तमाम वो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जो रिकॉर्ड होना चाहिए थी वाकई रिकॉर्ड हो चुकी हैं लाइक कंप्लीटनेस के रेफरेंस में हम बात करते हैं जी हम तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक अकाउंटिंग करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं तो क्या हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक और मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया हुआ क्या वो तमाम ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद हैं जिन पर बेस करके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो ये बात है कंप्लीटनेस के हवाले से तो इस कंप्लीटनेस के लिए हमें ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड है इस एसर्शन को पूरा करने के लिए फिर नेक्स्ट एक्यूरेसी की बात आती है कि जो ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं वो एक्यूरेटली वैल्यूएट हुए हुए हैं उनकी वैल्यूएशन ठीक है उनकी मेजरमेंट ठीक है उनकी कैलकुलेशंस ठीक हैं कंप्यूटेशंस ठीक हैं एक्यूरेसी है उसके अंदर इसके बारे में ऑडिट एविडेंस हासिल किया जाता है फिर कट ऑफ अब ये असर्शन बड़ी दिलचस्प है कि आप जिस पीरियड से मुतलक जिस अकाउंटिंग पीरियड से मुतलक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं आपको इस बारे में तसली होना चाहिए कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस ही अकाउंटिंग पीरियड से मुतलक ट्रांजेक्शन मौजूद हैं इस अकाउंटिंग पीरियड से पीछे की या इस अकाउंटिंग पीरियड से आगे के साल की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं की गई अब यह कैसे होता है कट ऑफ के जरिए से फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं कि आप कैश रिसीव करते हैं और एक कैश मेमो या कैश रिसीट इशू कर देते हैं आपने थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं फर्ज कर लेते हैं ये हमारी क्लोजिंग डेट है थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को जितनी रिसीट्स इशू की हैं शाम को ऑफिस क्लोज करने के वक़्त आप आखिरी रिसीट का नंबर वहां पर लिख देंगे कि ये हमारी इस साल की आखिरी रिसीट है कट ऑफ कर देंगे उस रिसीट पर अब अगले दिन मीन्स फर्स्ट ऑफ जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर आप जो रिसीट इशू करेंगे उसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के साथ होगा लेकिन अगर आप कट ऑफ नहीं करते और जनवरी में जो रिसीव हुआ कैश उसको भी आप पिछले साल दिसंबर के अंदर ही शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कट ऑफ की एसर्शन की खिलाफ वर्जी की आपने उस कैश को जिसका ताल्लुक उस कैश रिसीट को जिसका ताल्लुक अगले साल की अकाउंटिंग के साथ था उसको भी आपने इसी साल में शामिल कर लिया तो गलत हो गया ना इसी तरह से परचेज ऑर्डर्स इसी तरह से सेल्स इन क्रेडिट नोट्स इशूड आप कट ऑफ लगा देते हैं कि ये जी लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में जो हमने डॉक्यूमेंट्स बना दिए इनके बाद अगले डॉक्यूमेंट्स जो भी बनेंगे वो अगले अकाउंटिंग पीरियड से मुतलक होंगे कट ऑफ समझ आ गया ये एक असर्शन है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल पर नेक्स्ट असर्शन है क्लासिफिकेशंस की यानी कि जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैं वो अपने ठीक मेन हेड में क्लासीफाई हुए हैं जहां पर उनको क्लासीफाई होना चाहिए था लाइक like, बहुत से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको गलती से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर एक्सपेंसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं तो वो गलत हो जाएगी बात आपको जहां पर क्लासीफाई होना चाहिए करेक्टली जहां पर क्लासीफाई होना चाहिए वहीं पर क्लासीफाई करना होता है तो आप जब कहते हैं कि जी ये चीज एसेट है तो इसका मतलब है कि एक एसर्शन है कि हमने एसेट में एक चीज क्लासीफाई की हुई है उसके बारे में ऑडिट एविडेंस का हासिल किया जाना भी ऑडिटर की जिम्मेदारी है सो so, ये डिफरेंट एसर्शन थी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लेवल पर अब डिफरेंट एसर्शन आती हैं अकाउंट बैलेंस के लेवल पर फॉर एग्जाम्पल बात आती है एग्जिस्टेंस की यहां पर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक बात मैंने आपसे कही थी कि जब हम अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं तो अकाउंट बैलेंस मीन्स बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो आपने लेजर अकाउंट बनाते वक्त सीखा था कि हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहां पर एक बात बहुत पते की याद रखिएगा एक्सपेंसिस एंड इनकम्स के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते एक्सपेंसिस एंड इनकम्स जो मेन हेड्स ऑफ अकाउंट हैं वो तो भाई क्लोज हो जाया करती है इनकम स्टेटमेंट में या जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो एसेट्स के लाइबिलिटीज के और ऑनर्स इक्विटी के होते हैं और वो फिर बैलेंस शीट में शो होते हैं सो so, हम अकाउंट बैलेंसेस की जब बात करेंगे तो हम एसर्ट्स लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी की बात कर रहे होंगे कि वो बैलेंसेस विच आर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ये बात समझ गए ना लिहाजा बात ये बड़ी ही बचपन के लेवल की है जो कि आपने आगाज की अकाउंटिंग में पढ़ी थी कि एक्सपेंसेस और इनकम्स को जब आपने बैलेंस करना सीखा था लेजर अकाउंट जब बनाए थे आपने टी अकाउंट्स तो वहां पर आपने यह गलती कभी नहीं करनी जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे या इवन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आप अगर देखें आपको अगर अकाउंटिंग का पर्चा आता है और उसमें आपको कोई एक्सपेंस या इनकम का लेजर अकाउंट बनाने को कहा जाता है तो उसको जब बैलेंस करना है तो उस बैलेंस के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखना क्योंकि एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता वो तो क्लोज हो जाता उसी साल में इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड इट आप कभी नहीं कहते कि जी मेरी इस इनकम स्टेटमेंट में पिछले पांच साल के एक्सपेंसेस भी नजर आ रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड तो ना हो सका ना हर साल का एक्सपेंस और हर साल की इनकम उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में क्लोज हो जाया करती है और जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो एसेट्स लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी के होते हैं समझ गए अब इनके बारे में एक एसर्शन है कि वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि जब हम बैलेंस शीट में से शो कर रहे हैं इट मीन कि ये एसेट एग्जिस्ट करता है ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है ये इक्विटी इतनी हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है ऑनर के लिए लिहाजा ये एक एसर्शन है एसर्शन के बारे में ऑडिट एविडेंस हासिल किया जाता है कि क्या वाकई यह एसेट एग्जिस्ट करता है या वैसे ही किताबों में एग्जिस्ट करता है, है। लाइबिलिटी हमने किताबों में तो लिख दी कि हमारे ऊपर इतनी लायबिलिटी है लेकिन इनफैक्ट कोई ऑब्लिकेशन नहीं है हमारी इसी तरह से ऑनर्स इक्विटी की फिगर तो हमने बना दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के रेफरेंस में के जी ये ये रिजर्व हैं हमारे पास लेकिन इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इनके बारे में ऑडिट एविडेंस हासिल किया जाता है तो existence है एक assertion हुई अकाउंट बैलेंस के लेवल पर इसी तरह से अकाउंट बैलेंस के लेवल पर एसर्स आ जाती है राइट्स एंड ओब्लीगेशन की कि वो जो एसर्ट्स हैं आपको मालूम है एसर्ट्स की डेफिनेशन कि एसर्ट्स वो रिसोर्सिस हैं जो एंटिटी के कंट्रोल में होते हैं यानी कि उन पर उस एंटिटी का हक होता है राइट right होता है उनको यूज करने का और लायबिलिटीज़ के बारे में कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है डेट ऑफ रिपोर्ट पर वो ऑब्लिगेशन होती है लिहाजा ये भी एक एसर्शन है कि हम जब अकाउंट बैलेंसेस शो कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर तो वहां पर हमारी ये असर्शन है कि ये वो एसर्ट्स हैं जिन पर हमारा राइट है और ये वो लाइबिलिटीज हैं जो हमारी obligation है यहां एक और बात याद रख लीजिएगा कि ऑनर्स इक्विटी को कभी भी आप ऑब्लिगेशन ना कहिएगा वो कभी भी आपकी लाइबिलिटी नहीं है बहुत से लोग यहां पर गलत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि शायद कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी है नो कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है सख्ती के साथ गुनाह कबीरा हो जाएगा अगर कैपिटल को लाइबिलिटी का तो आई एस बी फ्रेमवर्क कहता है कि कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है एंटिटी पर लिहाजा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में जब हम बात कर रहे होंगे तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात कर रहे होंगे कि एसेट्स पर हमारा राइट right है और लाइबिलिटीज हमारी ओब्लिगेशन है ऑन द डेट ऑफ रिपोर्ट नेक्स्ट एसर्सन क्या आती है जी कंप्लीटनेस की कि तमाम एसेट्स लाइबिलिटी और इक्विटी इंटरेस्ट की बातें जो कि रिकॉर्ड होना चाहिए थी हैव बीन रिकॉर्डेड बैलेंस शीट में मौजूद है एज ऑन द डेट इसके बारे में हमें ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड है जो बैलेंस शीट में मौजूद होना चाहिए थे एसेट क्या वो वाकई मौजूद है लाइक like, यहां पर सब स्टैंड की बात आती है अब ये वो टेक्निकल बातें हैं जो कि मैं इस वक्त नहीं समझा सकता आपको या तो वो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके हैं अगर नहीं पढ़ी हुई तो फिर आपने नेक्स्ट आगे कहीं ना कहीं ऐसी बातें पढ़नी होंगी सो so, आप देखते हैं कि एज एन ऑडिटर अब मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारी बैलेंस शीट में मौजूद होना चाहिए थे एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट की बातें वाकई मौजूद है इसके बारे में आप ऑडिट एविडेंस लेते हैं नेक्स्ट एसर्शन अकाउंट बैलेंस के लेवल पर आती है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन कि जो एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट की वैल्यू सही मानों में मेजर होना चाहिए वो आपको बैलेंस शीट में ठीक नजर आ रही है इन्वेंट्री के रेफरेंस में आप देखते हैं कि इट शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड एनआरवी फिक्स्ड एसेट्स के रेफरेंस में आप देखते हैं कि जी इंपेयरमेंट लॉस अगर है तो वो उसमें से माइनस करके फिर आपने फिक्स एसेट्स को शो करना है बैलेंस शीट के अंदर फिर आपको मालूम है कि आई एस बी फ्रेमवर्क के लेवल पर चार हमारे पास वैल्यूएशन बेसिस हैं जिन पर हम मेजर करते हैं अकाउंट बैलेंसेस को हिस्टोरिकल कॉस्ट करंट कॉस्ट रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू डिटेल्स डिस्कस हो चुकी हुई हैं उस पेपर में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में इसलिए अभी नहीं सो इन वैल्युएशन के बारे में भी आप ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं ये असरशन है ना इसी तरह से हम डिस्क्लोजर के लेवल पर भी कुछ एसर्शन देखते हैं डिस्क्लोजर्स मीन आप जो नोट्स में डिस्कलोज करते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्स को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी बैलेंस शीट में मौजूद इंफॉर्मेशन को इवन इनकम स्टेटमेंट में मौजूद इंफॉर्मेशन को अब वो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन मौजूद हैं उन को सपोर्ट कर रहे होते हैं कुछ डिस्कलोइर्स तो उन के लेवल पर जो एसर्शन हैं, अक्रेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कि वो जो चीजें हमने वो जो इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज की हैं नोट्स में वो वाकई या तो आकर हुई हैं या एग्जिस्ट करती हैं लाइक like हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात करते हैं हम इवेंट्स अक्रिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की बात करते हैं हम बात करते हैं सिक्योरिटीज की जो कि हमने फंड्स बोरो करते वक्त लैंडर्स को दी ये तमाम बातें जो हैं हमने डिस्क्लोज करना होती हैं नोट्स में अब क्या वाकई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बनती है या एम ही हमने डिस्क्लोजर दे दिया वाकई कोई सिक्योरिटी रखवाई हुई है हमने लोन के अगेंस्ट या नहीं अब ये सारी बातें अगर नोट्स में डिस्क्लोजर मौजूद है तो ऑडिटर फिर देखेगा कि वाकई अकर भी करती है कि नहीं हमने इवेंट सक्रिंग आफ्टर बैलेंस डेट के लिए डिस्क्लोजर तो दे दिया कि जी ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है मटेरियल है लिहाजा ये डिस्क्लोजर मौजूद है वाकई वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर भी हुआ था या नहीं तो ऑडिटर को इसके बारे में सबूत चाहिए एविडेंस चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए हासिल करता है इस एसर्शन के लिए नेक्स्ट एसर्शन आती है कंप्लीटनेस की कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एंड रेगुलेशन के मुताबिक जिन जिन इंफॉर्मेशन को डिस्कलोज करना चाहिए था क्या वो तमाम डिस्कलोज कर चुके देखो एक तो है जो डिस्कलोज इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट करती है वो आकर हुई है या नहीं उसके बारे में एविडेंस दूसरा ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डिस्कलोज होना चाहिए वो भी डिस्कलोज हुई है या नहीं ऑडिटर यहां पर भी ऑडिट एविडेंस हासिल करता है इसलिए ऑडिटर को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर ग्रिप होना चाहिए लेजिस्लेशन क्या रिक्वायर करती है उस पर ग्रिप होना चाहिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ऑफ पाकिस्तान उसके फोर्थ एंड फिफ्थ कैज के हवाले से जो डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स हैं ऑडिटर मस्ट नो उसको पता हो कि क्या क्या चीजें उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेक्स्ट एसर्शन आती है क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडबिलिटी की इस डिस्कलोजर के लेवल पर सिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी की एक एसर्शन है के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया उसमें जो क्लासीफिकेशन है वो वाकई ठीक है डिस्कलोयर्स लेवल पर हमने जिस चीज को जहां पर क्लासीफाई करना था डिस्कलोयर्स में वाकई वहां पर उसे क्लासीफाई किया गया है इस चीज की तसली ऑडिटर को लेना होती है और यहां पर वो फिर ऑडिट एविडेंस भी हासिल कर लेता हैं सो so, ये डिफरेंट एसरशंस तीन लेवल पर कौन कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स लेवल पर हासिल करना होती है अच्छा अब नेक्स्ट एक बात आ रही है कि ऑडिट एविडेंस ऑडिटर किस तरह से हासिल करता है वो भी बताते चलें इन ऑडिट प्रोसीजर्स में शामिल हैं जी सबसे पहले इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स अब ऑडिटर ने डिफरेंट एसर्शन लेवल्स पर ऑडिट एविडेंस हासिल करने अब उन ऑडिट एविडेंसेस को हासिल करने के लिए वो कौन कौन से प्रोसीजर्स अपनाता है कौन कौन से तरीके अपनाता है उनमें पहला तरीका इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का कि वो इंस्पेक्ट करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट्स को उनको रीड करता है ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए लाइक like आपने लोन लिया कहीं से तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया उस सारे कॉन्ट्रैक्ट को वो स्टडी करेगा जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए उस कॉन्ट्रैक्ट को उस लोन को हासिल करने के लिए वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर मंगवा लेगा और उनको स्टडी करेगा इंस्पेक्शन करेगा बाज़त उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो कि किसी भी एक एसर्शन को सपोर्ट कर रहे होंगे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसका एक प्रोसीजर है ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स अब वो फिजिकली भी उन एसेट्स की एग्जिस्टेंस को चेक कर रहा होता है कि फिजिकली वे एसेट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं वॉक थ्रू के जरिए से बेशक वो करे बहर हाल वो एग्जामिन करता है इंस्पेक्ट करता है फिजिकल एग्जिस्टेंस को इन्वेंट्री काउंट जैसे वो करता है ये एंड पर उसकी ऑब्जर्वेशन जो कर रहा होता है ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए एक अदारे ने कहा जी कि हमारे पास डेढ़ सौ कंप्यूटर्स हैं अब उन डेढ़ सौ कंप्यूटर्स को वो काउंट करेगा उनकी हालत देखेगा कि ठीक हालत है या नहीं एसिड डब्बे तो नहीं रखे हुए इंस्पेक्शन करेगा ऑडिटर इस जरिए से ऑडिट एविडेंस हासिल करता है फिर इंक्वायरीज के जरिए से नॉलेजेबल पर्सन की इंक्वायरी करता है जिनके पास नॉलेज मौजूद होता है वहां से वो ऑडिट एविडेंस हासिल करता है औरल ऑडिट एविडेंस फिर कंफर्मेशन के जरिए से जैसा कि आपको पहले भी बताया कि वो बैलेंसेस को कंफर्म करने के लिए डेटर्स को रता करता है क्रेडिटर्स को भी रहा करता है बैंक्स को रता करता है वहां से कंफर्मेशन सीख करता है फिर री मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है इनवाइसिस की क्रेडिट नोट्स की की, जहां जहां पर भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, लाइक फाइनेंशियल चार्जेस की कैलकुलेशन को चेक करता है ठीक कैलकुलेट हुए या नहीं प्रोविजंस के लिए जो एस्टिमेट्स किए गए उनकी कैलकुलेशंस को चेक करता है ये एक प्रोसीजर है उसका फिर नेक्स्ट आता है रीपरफॉर्मेंस जो काम पहले से किया हुआ है अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उसको दोबारा से ऑडिटर करके देखता है कि क्या यही रिजल्ट हमारे सामने आता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वो खुद से भी बनाकर देखता है इसी तरह से डेटर्स की एजिंग एज डेट एनालिसिस ऑडिटर खुद भी करके देखता है भले किया हो वो अकाउंटेंट्स ने भी लेकिन ऑडिटर खुद भी उसका एज डेट एनालिसिस करके देखता है कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट के अंदर ऑडिटर खुद से एक टेस्ट डाटा जो होता है वो एग्जामिन करता है उसके रिजल्ट्स को फीड करके केस के रिजल्ट्स वही निकलेंगे जो क्या निकलने चाहिए रीपरफॉर्मेंस ये एक प्रोसीजर है ऑडिटर का ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक प्लॉजिबल रिलेशंस देखने के लिए वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करता है कि क्या वाकई यही वाला रिलेशनशिप मौजूद है इन दो फिगर्स इन दो इंफॉर्मेशन के माँ बहन एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपनाता है उनके जरिए से ऑडिट एविडेंस हासिल करता है रेशो एनालिसिस डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स थे जिनके जरिए से वह ऑडिट एविडेंस हासिल करता है और वह ऑडिट एविडेंस डिफरेंट एसरशंस लेवल पर होते हैं जो कि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या अकाउंट बैलेंसेस या डिस्कलोअर्स की एसरशंस होती हैं और फिर इन ऑडिट एविडेंस का सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट होना जरूरी है और इनकी मुख्त शक्लें जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में वगैरह वगैरह आपसे आज डिस्कस की सो so, ये सारी बातें थी ऑडिट एविडेंस के मुतल जो कि लास्ट लेक्चर में भी आपसे की और कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी मैंने कहा कि आज उसको मैं कंप्लीट कर लू अब मैं आता हूं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है टेस्टिंग द सेल्स सिस्टम अब यहां पर एक बात पहले जहन में ले आई है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल है हमने ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट टेस्ट पढ़े थे दो तरह के एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और एक यस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं और सब्सटेंटिव yes, प्रोसीजर्स में फर्दर दो किस्में एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहरहाल मैं आज जो काम शुरू करने लगा हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ एरियाज पर मैं आपको प्रैक्टिकल ऑडिटिंग की बातें बताऊँगा सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल से मुतलक हम बातचीत शुरू करेंगे उसमें कोई चार पांच एरियाज पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल को डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स देखते हैं फिर किस तरह से हम इन सारी बातों को कवर करते हैं सो so, आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं सेल्स सिस्टम को सेल्स सिस्टम की टेस्टिंग में एक बात जहन में रख लीजिए मोस्ट ऑफ द सेल्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑन अकाउंट होती हैं, क्रेडिट पर होती हैं, उधार पर होती हैं, और जब वो उधार पर होती हैं, तो इसका मतलब है कि उन सेल्स के अगेंस्ट कुछ रिसीवेबल्स होंगे डेटर्स होंगे सो so हम जब सेल्स सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं तो सेल्स सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स इनकम को ही स्टडी नहीं करेंगे बल्कि इनसे मुतल जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनको भी स्टडी करेंगे आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो जरा सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री तो जेन में लेकर आए क्या होती है नहीं नहीं कैश सेल्स की नहीं कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट नहीं क्रेडिट सेल्स की हाँ डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट गुड अब ये डेटर्स का डेबिट यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट्स रिसीवेबल्स का डेबिट होना और सेल्स इनकम का क्रेडिट होना इन दोनों पर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखने लगे कि क्या यानी कि हम सेल सिस्टम की जब बात करेंगे सेल सिस्टम की टेस्टिंग की जब हम बात करेंगे तो उसमें डेटर्स भी आ जाएंगे और उसमें सेल्स इनकम भी आ जाएंगे हम जब भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बयान करते हैं तो देखिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर सेल्स में हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए नंबर वन कस्टमर्स ऑर्डर्स should be authorized, controlled, and recorded in for prompt execution. हम सेल कब करते हैं जब हमें ऑर्डर मिलता है कस्टमर से कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज ऑर्डर है लेकिन हम याद रखिएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हमें कस्टमर से जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए वो ऑर्डर प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए और फिर हमें उस ऑर्डर पर प्रॉम्प्ट एक्शन रिक्वायर्ड है ये नहीं कि ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर को हमने रख दिया हमने चीजें ही नहीं की इस चीज पर कंट्रोल हमें रिक्वायर्ड है इस वक्त हम पहले कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जाता है हम देख रहे हैं अब अपने सेल सिस्टम के बारे में कि हमें जो ऑर्डर मिलता है वो प्रॉपरली हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जी हमें इतने चीजें सेल करने का ऑर्डर मिला और फिर उस ऑर्डर को प्रॉम्प्टली जल्दी से एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या अलामल इख्तियार करते हैं यह बार हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का एक हिस्सा है नंबर वन नंबर टू गुड्स शिफ्ट एंड वर्क कंप्लीटेड शुड बी कंट्रोल्ड टू एंश्योर दैट इनवाइसेस आर इशूड एंड रेवेन्यू रिकॉर्डेड फॉर ऑल सेल्स यहां पर एक बात याद रखिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को सेल करने की बात नहीं कर रहे बल्कि हम यहां पर सर्विसेज के रेंडर करने की भी बात कर रहे हैं लिहाजा अगर गुड्स हैं तो शिप हो चुकी है शिपमेंट हो चुकी है उनकी तरसील हो चुकी है और अगर सर्विसेज हैं तो उन सर्विसेज के हवाले से काम कंप्लीट हो चुका है और अब चीन सर्विसेज पर काम कंप्लीट हो चुका है और जो गुड्स जिनकी शिपमेंट हो चुकी है तरसील हो चुकी है उनकी इनवाइसिस रेज हो चुकी होनी चाहिए शुड बी यहां पर आप तमाम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि शुड बी का लफज इस्तेमाल हो रहा है कि उन सर्विसेज के अगेंस्ट या वर्क कंप्लीटेड के अगेंस्ट इन्वाइसिस इशू हो चुकी होना चाहिए मतलब आपने अब यह कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाया कि काम अगर हो गया तो इनवाइस इशू हो जाए और इनवाइस अगर इशू हो चुकी है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका होना चाहिए शुड बी सो यह एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट कि गुड्स रिटर्न एंड क्लेम्स बाय कस्टमर्स शुड बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द लाइबिलिटी फॉर गुड्स रिटर्न एंड क्लेम्स रिसीव्ड अब यहां पर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गुड्स रिटर्न हुई जो आपके कस्टमर्स के कलेम हैं क्या उनको भी प्रॉपरली रिकॉर्ड आप करते हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि जो गुड्स रिटर्न होती हैं और जो कस्टमर्स के कलेम होते हैं उनको भी आपने रिकॉर्ड करना है यह एक ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट इनवाइसिस एंड क्रेडिट नोट्स शुड बी अप्रोप्रिएटली चेक फॉर एक्यूरेसी एंड शुड बी ऑथोराइज बिफोर बींग एंटर्ड इन द रिसीवेबल्स रिकॉर्ड्स अब दिस हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इनवाइसिस और क्रेडिट नोट्स का क्या फंक्शन है वो कह रहे जो इन्वाइसिस इशू की हैं उनके अगेंस्ट सेल्स इनकम रिकॉर्ड हो चुकी हो और जो क्रेडिट नोट्स इशू किए हैं उनके अगेंस्ट सेल्स रिटर्न्स रिकॉर्ड हो चुकी हों और फिर यही नहीं कि सेल्स इनकम रिकॉर्ड हो चुकी हों और सेल्स रिटर्न्स रिकॉर्ड हो चुकी हों बल्कि साथ ही साथ इनको रिसीवेबल्स के रिकॉर्ड में भी आपने एडजस्ट कर दिया हो जरा उसी अकाउंटिंग के लेवल पर आ जाए ना बात बड़ी आसान हो जाती है कि जब इन्वॉइसिस इशू करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री डेटर्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट वो कह रहा है ये अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी हो और जब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट यानी कि सेल्स रिटर्न भी रिकॉर्ड हो चुकी हो और रिसीवेबल्स में भी उनकी एडजस्टमेंट हो चुकी हो ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है और नेक्स्ट है कि ऑथोराइज कस्टमर ट्रांजेक्शन एंड ओनली दोज ट्रांजेक्शन शुड बी एक्यूरेटली एंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सिर्फ ऑथोराइज ट्रांजेक्शन को ही आपने अकाउंट फॉर करना है अगर ट्रांजेक्शन ऑथोराइज नहीं है तो उनको आपने रिकॉर्ड नहीं करना यह एक आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है और लास्ट में देर शुड बी

वो जो अकाउंट्स सीएबल्स रिकॉर्ड किए हैं उनकी एजिंग भी साथ साथ आपको देखते रहनी चाहिए और जिनके अगेंस्ट प्रोविजंस क्रिएट करनी है फॉर डाउटफुल डेट्स या जिनको राइट ऑफ करना है ऑल टुगेदर वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएं सो so ये हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेल्स सिस्टम से मुतल आपने देखा सेल्स सिस्टम से मुतल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में हमने सेल्स को भी काबू करने की बात की सेल्स इनकम यानी के उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज दोनों बातें आ जाती हैं हमने सेल्स रिटर्न्स को भी काबू करने की बात की हमने कस्टमर्स के क्लेम्स के ऊपर भी कंट्रोल होने की बात की हमने रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स के अकाउंट पर भी कंट्रोल रखने की बात की और फिर उन डेटर्स से मुतल जो डाउटफुल हैं उनकी प्रोविजन्स पर भी कंट्रोल होना चाहिए और जिनको राइट right ऑफ होना चाहिए उनकी राइट right ऑफ से मुतल भी हमने बात की सो तो ये अभी आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सेल्स से मुतल जो हमने सिस्टम को चेक करना है टेस्ट करना है उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए नेक्स्ट ताला इस पर जो प्रोसीजर अपनाया जाता है जिसके जरिए से ऑडिट एविडेंस हासिल किए जाते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज़